Hello friends, hope you all are doing well. Welcome back to my channel and my channel name is SUPERMOM Priyanka और मैं हूँ प्रियंका. अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो वेलकम. आज के वीडियो में मैं आप सबको झींगा आलू पोस्तो बनाना सिखाऊंगी, जो एक बंगाली डिश है और खाने में भी बहुत टेस्टी है होता है, तो इसे बनाना भी बहुत ईजी है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. इसे बनाने के लिए हमें चाहिए होगा 5 मीडियम साइज़ के आलू और एक तोरी, जिसे बंगाली में झींगा कहते हैं. अब हम आलू के छिलकों को उतार देंगे और उसे छोटे छोटे क्यूब के पीसेस में काट लेंगे, जैसा कि वीडियो में दिखाया गया है. अब इसे हम एक कंटेनर में ट्रांसफ़र कर लेंगे. अब हम तोरी को लेंगे, तोरी का छिलका भी उतार देंगे और उसे भी छोटे छोटे क्यूब के पीसेस में काट लेंगे, जैसा कि वीडियो में दिखाया गया. अब इसे हम आलू वाले कंटेनर में ट्रांसफ़र कर लेंगे. अब इसे अलग रख देंगे. दूसरी ओर हम एक कटोरी लेंगे, उसमें 3 बड़े चम्मच पोस्तो लेंगे यानी कि पॉपी सीड, और उसमें थोड़ा सा गर्म पानी मिक्स करके अलग ढककर रख देंगे, जिससे कि ये पॉपी सीड्स फूल कर तैयार हो जाए. अब हम एक कढ़ाई लेंगे, उसे हम गैस में गर्म होने के लिए रखेंगे और मस्टर्ड ऑयल डालेंगे 2 बड़े चम्मच. यहाँ पर मस्टर्ड ऑयल से ये आलू पोस्तो बनाने से बहुत ही टेस्टी बनता है, सो आप मस्टर्ड ऑयल का ही यूज़ करें. इसमें 1 चम्मच जीरा डालेंगे और उसके बाद आलू और तोरी को जो हमने काट के अलग रखा था उसे इसमें मिक्स करेंगे. अब इसे हिलाएंगे थोड़ा सा. गैस का फ्लेम मैंने फुल रखा है, हाई रखा है. अब थोड़ा सा जब ये भुन जाए तब इसे ढककर 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे और गैस का फ्लेम मीडियम कर देंगे. तो मेरा आलू थोड़ा सा बॉयल होना बाकी रह चुका है, फ्राई होना बाकी रह चुका है, थोड़ा सा नरम नहीं हुआ है, तो मैं इसे और थोड़ी देर पकाऊँगी. इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे स्वाद अनुसार और थोड़ा सा 1/4 चम्मच चीनी डालेंगे. देन अच्छे से चलाएंगे. और बीच में जो चेक करेंगे कि आलू अच्छे से नरम हो चुके हैं या नहीं. दूसरी ओर हम एक छन्नी लेंगे और जो हमने पॉपी सीड्स को पानी ढक के रखा था वो पॉपी सीड्स फूल कर तैयार हो चुके हैं. अब उसे स्ट्रेन करके हम उसका एक पेस्ट तैयार करेंगे. तो थोड़ा थोड़ा पानी ले लेके पॉपी सीड्स को अच्छे से हम धो भी लेंगे और साथ साथ वो छन्नी में छानना भी हो जाएगा. तो मेरा पॉपी सीड छान कर तैयार है. अब हम एक मिक्सर ग्राइंडर लेंगे. मिक्सर ग्राइंडर में हम इस पॉपी सीड्स को डाल देंगे और उसका पेस्ट तैयार करेंगे. तो थोड़े थोड़े पानी की हेल्प से हम एक गाढ़ा पेस्ट तैयार कर लेंगे. तो देख सकते हैं इसी टाइप की कंसिस्टेंसी का पेस्ट तैयार करना है. दूसरी ओर हम चेक करेंगे कि हमारा आलू अच्छे से नरम हुआ है कि नहीं. तो देखिए मैंने चेक किया है, मेरा आलू नरम हो चुका है. अब मैंने जो पेस्ट तैयार किया है उसे इस मिक्सचर में डाल देंगे और हिला देंगे और गैस का फ्लेम बंद कर देंगे. तो मेरा झींगा आलू पोस्तो बनकर तैयार है. बहुत ही अच्छा आलू पोस्तो बना है. मैंने यहाँ पर मिर्च नहीं डाला है, अगर आप चाहें तो इसमें मिर्च ऐड कर सकते, इससे इसका फ्लेवर और भी अच्छा होगा. तो ज़रूर इस डिश को ट्राई कीजिए अपने घर पर और मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में कि आपकी डिश कैसे बनी थी. और इस वीडियो के रिलेटेड कोई क्वेरीज है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए. और सबसे बड़ी बात, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर कीजिए. अगर आप मेरे साथ जुड़े रहना चाहते हैं फ्यूचर में भी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को क्लिक कीजिए, उसके पास के बेल आइकॉन को भी क्लिक कीजिए, जिससे कि आपको मेरा नोटिफिकेशन मिलता रहेगा.
बनेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।